सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जा रहे हैं जोधपुर हमारी नानी के घर, और हमारे साथ इस बार चल रही है हमारी भाभी। हेलो। बट इस बार गाइस रोशनी नहीं चल रही है, ओनली डिम्पल मम्मी और मैं जा रहे हैं, एंड सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे एग्जाम है 3 जून से, एंड आज है 19 तारीख। अभी 9 बजे की वजह से हमारी बस में बैठे हैं और वापस हमारे 28 को ही, मतलब एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, एंड हमारा बस। और मम्मी अभी बोल रही है कि मेरे को भी दिखा, मेरी भी जगह लेगा। हाय, कैसे लोग हैं गाइस, कमेंट सेक्शन में यार। रीस चढ़ गई। हाँ, हेट तो मत देना, रीस चढ़ गई। हम रीसा की बहुत बोलते हैं गाइस। डिंपल इन सब के साथ कर रही है वीडियो कॉल, ये रीस, छवि, कशिश, कॉन्फ्रेंस कॉल और चल रहा है तुम्हारा ये, मतलब अभी बस चली भी नहीं है, लिटरली 5 मिनट हुए हैं सिर्फ बस में बैठे हुए और इन्होंने वीडियो कॉल कर लिया। एंड गाइस सीरियसली बताऊँ, मेरी ना यहाँ पे हमारी एक ही सीट है, एक ही डबल सीटर, उसमें हम तीनों की सीट है, और मैं यहाँ पे ऊपर किसी अननोन की सीट पे आके बैठा हूँ यार। और क्योंकि नीचे यहाँ पे सामने वाली सीट पे भी कोई अच्छी लाइट नहीं आई थी, तो मैं सोचा ऊपर अच्छी लाइट आएगी, अनलॉक भी बन जाएगा तो ऊपर आ जाते हैं, बट मैं सोऊंगा वहीं। एक बार मम्मी ना, पता क्या है, बस में ऐसी लाइटों की कमी है, लाइटें लगा रखी है बस जगाते तो नहीं। एक लेटर लिखूँ क्या सही में, कंडक्टर को लिखता हूँ यार लेटर, लाइट जगवाओ यार हर सीटों पर, वरना फ्लैश लाइट जगह नहीं पड़ रही है, फ्लैश लाइट भी बस एक जुगाड़ ही है। क्यों मम्मी जी, बिल्कुल। चलो, एक मिनट के बाद आपने एक शब्द बोला। मम्मी जी कैसा लग रहा है, मम्मी जी आप जोधपुर जा रहे हो साल बाद? बहुत अच्छा, वही टिक जाना आप, तो हम तो वापस आ जाएंगे पेपर देने। एक महीना और कुछ तो रहने देना। नहीं, आप भी मेरे साथ ही चलोगे एक हफ्ते में ही, क्योंकि मेरे पेपर आप दोगे। कुछ भी भाई, अभी बस रुकी है कहीं ढाबे पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ तो, कोई पैकेट वोकेट लेंगे, मेरे को तो भूख लग रही है। ये देखो मेरे पीछे ये ढाबा गाइस, भाभी और मैंने एक एक कुरकुरे का पैकेट लिया है और अब वापस जा रहे हैं बस में। तो गाइस हमारा यहाँ पे रात को कितने बजे मम्मी, शायद 11 बजे ना, 11 बजे खाना पीना चल रहा है भाई, यही स्किंडगी। और डिंपल तो मम्मी अभी मिर्च वाली वो गंदी भुजिया लेने वाली थी इतनी घटिया यार यहाँ पे कुरकुरे, मम्मी उसका नाम अलग है पर है कुरकुरे, लहर नाम है कंपनी, कुरकुरे ही है पर नाम लहर है, इसलिए मेरे को डाउट हो रहा था कि ले या ना ले, बट अच्छा वो ले लिया, सेम कुरकुरे वाला ही टेस्ट है, फ़र्क नहीं है। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5 एंड बस हमने रुकवाई है यहाँ पे गौशाला में, तो दिखाता हूँ आपको, बहुत सारी गौ माता खड़ी है, गौ माता आशीर्वाद देना यार मेरे पेपर अच्छे हो। जोधपुर की गैया कितनी साफ है मम्मी जी, और अपने हनुमानगढ़ में देखो कहीं भी सड़क पे कचरा फेंक देते हैं। तो भाई हम जोधपुर पहुँच चुके हैं, बट बस पहले पावटा रुकती है जहाँ पे हमारी नानी जी का घर है, पर हम पहले नानी जी के घर नहीं जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे हम कल। आज हम जा रहे हैं हमारी बुआ जी के घर, जिनका घर है हाउसिंग बोर्ड, जैसे हनुमानगढ़ में है ना हमारे टाउन जंक्शन, वैसे जोधपुर में पावटा एंड हाउसिंग बोर्ड, बट हाउसिंग बोर्ड तो बहुत दूर है, जंक्शन तो हमारा वहाँ पे फिर भी पास में है, हमें तो हनुमानगढ़ के थोड़े से रास्ते ही बहुत दूर लगते हैं, पर जोधपुर में आगे देखते हैं ना तो लगता है यार हनुमानगढ़ के ही सही है। फाइनली पहुँच गए गाइस हम जोधपुर, बारवी रोड हाउसिंग बोर्ड जहाँ में आया था, एंड सामान उतारते हैं डायरेक्ट आपसे घर से मिलते हैं, घर पर ही मिलता हूँ, बोले नहीं जा रहे सुबह सुबह तो। गाइस अभी क्या हुआ, हमारे जीजा जी मतलब हमें लेने आए थे, वो किसी और रास्ते चल गया ना, टैक्सी वाला किसी और रास्ते ले आया, नहीं नहीं यही हुआ है, कॉल करके पूछ रहे हैं कहाँ पे हो यार, अभी जोधपुर में उतरे हैं, ये ट्रेजेडी होगी और गाइस एक सेकेंड आप और बार ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरा सामान दिखाता हूँ इन सबका, ऑलवेज जा भी जाते हैं आज, मैं हमेशा स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, वैसे कल मेरा मूड नहीं था सामान दिखाने का, बट आज सामान देख के मेरे को लग रहा है दिखाना चाहिए आप सबको, हम 3 जने आए हैं सिर्फ और सामान 6 बैग हैं, लाइक ये देखो टाइम से कोई जगह नहीं छोड़ी, तो सामान दिखाएंगे, कुर्ती दिखा लो अपनी कुर्ती, लाइट अच्छी आई मम्मी जी यहाँ पे, लाइट अच्छी आ रही है, आराम से
हेलो गाइस, जोधपुर का पहला मैंगो शेक बुआ के घर। मजेदार। अब सात सात या आठ दिन हम मैंगो शेक की बारिश, एकदम मैंगो शेक ही पियेंगे, आम खाएंगे, ऐसे आम वगैरह पूरी मम्मी, मजा आएगा, आम ही आम। गाइस ये देखो यहाँ पे रेनबो बन रहा है, पता नहीं कैसे पर मस्त लग रहा है। ये कैमरे में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बट बहुत मस्त लग रहा है। उल्टे ऐसे खाना पड़ रहा है। A few moments later. तो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ एंड ये मेरा आउटफिट, पिस्ताशियो ग्रीन कलर की शर्ट, चेक शर्ट है ये, मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी जब भी मैंने ली थी। वैसे मैंने इसी कोई और ली थी बट वाइट कलर की कोई थी प्रिंटेड, बट देन चेंज करके ये ली, मस्त लग रहा है ग्रीन, मेरे पास था भी। तो गाइस जैसा कि आपने मेरा अभी आउटफिट देखा, अब आप रेट करो कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट। मैं आपको मैं ना एक काम करूँगा, सारे आउटफिट्स में मेरी एक फोटो ले लूँगा एंड देन एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँगा, मतलब एक शॉर्ट बना लूँगा जिसमें मेरे सारे आउटफिट्स होंगे जोधपुर के, एंड देन आप सब रेट करना सारे आउटफिट्स पे, या फिर बताना आपको कौन सा बेस्ट लगा। तो आज वाला तो आपने देख लिया आउटफिट, एक और बार दिखा देता हूँ आपको फिर से आपकी तसल्ली के लिए, आप सब चलो एक रैंप वॉक हो जाए थोड़ी सी। तू भी आजा यहाँ पे, हो आपको से सलमान खान की तरह चलना है, ठीक है? यहाँ पे हो, मेरे आगे हो, चलो सामने फोन सामने तक जाओ, चलो करो। गाइस मजाक से हटके बट है ना सब, अब हम तीनों से किसकी आपको रैंप वॉक अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अरे गाइस ये बच्चा मतलब मेरे को क्या कहता है कि मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है, मैंने कहा है यूट्यूब पे अननोन्स भी देखते हैं, मेरे को देख लो यार, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ घर वालों ने सब्सक्राइब कर रखा है, इन्होंने भी कर रखा है। आपने वो यूट्यूब पे देखा है ना, सबको बताओ है, हाँ फेमस हूँ ना मैं, सबको बोलो सब्सक्राइब कर दे मेरे को, सबको बोले मुझे सरप्राइज कर दो, ठीक बोलना, अब बोलो मेरे को, मेरे को मतलब बोलो इनको, हाँ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो मेरे को गाइस। चलो आपको मिलते थोड़ी देर बाद, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाम को शायद पार्क में जाएंगे, सो देखते हैं जो भी होता है आज के दिन का। एंड इस बार मैं लाइक जैसे पिछली बार मैं जोधपुर ब्लॉग एक ही मतलब पार्ट में सारा डाल दिया था, सारा जोधपुर ब्लॉग हर दिन का थोड़ा थोड़ा, इस बार वैसे नहीं करूँगा, कुछ पार्ट्स में बना बना कैसे डालता रहूँगा। सो इन्जॉय करना गाइस एंड हर ब्लॉग को प्यार देना। गाइस अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक तो वीडियो मैंने भाभी के साथ इस बैकग्राउंड में बनाई है एंड एक मैंने मेरी सोलो ट्रांसफॉर्मेशन इस बैकग्राउंड में बनाई है, लाइक लिटरली इतना एस्थेटिक लग रहा है ना ये बैकग्राउंड, और खासकर मुझे इस बैकग्राउंड से ज़्यादा मेरे को इन विंडोज़ से प्यार है, ऐसे ना कलरफुल ग्लास है इन विंडोज़ के, और जो कि दीवार के कलर के साथ मैच हो रहे हैं ग्रीन एंड रेडिश, एंड पूरा लाइक मज़ा ही आ गया ये बैकग्राउंड देखे। तो चलो अब मैं हाफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाने आया हूँ, सो गाइस उन ट्रांसफॉर्मेशन को प्यार देना, पता नहीं मैं ये एक ही लाइन में 10 बार कह चुका हूँ। तो गाइस मिलता हूँ थोड़ी देर में, आप हाय कर दो। तो गाइस हमने वीडियोस वगैरह पूरी बना ली है जिसमें मैंने एक एडिट भी कर दिया है, और इस व्लॉग से पहले अभी डालने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में, एंड अभी हम जा रहे हैं बुआ की जेठानी के घर। गाइस इस कार में देखो सनरूफ है, मैं पहली बार सनरूफ वाली कार में बैठे हूँ, मस्त लग रही है देखने में। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी तू बैठ तो गया, तुम्हारी तो कार है और मिताली अभी मजा आ रहा है क्या हमारे साथ? मेरा भी हाँ, मेरे को तो आता है, मेरे को तो हर जगह ही आता है, हनुमानगढ़ भी और जोधपुर का भी। हाँ यार अब सब आओगे क्या एक ही फ्रेम है? वैसे ही हमारी बुआ इनका पुराना घर है, पहले ये वाला झूला बहुत ज्यादा लेते थे जब भी बुआ के घर आते थे। अलग ही चल रहा है इन दोनों का। खा। फिर भी खा, तूने को पानी दिया मैंने देखो चिप्स दी, हिसाब बराबर। उस मारना बंदर वाला
और गाइस मेरे भी 6 बच्चे गेम खेल रहे हैं एंड मैं अभी खाना खा रहा हूँ। तो खाने में मेरी फेवरेट सब्जी पनीर की सब्जी एंड पुलाव। हाँ मैम मज़े ही जिंदगी के मज़े आ गए। वाह सबको पता है मेरी पनीर की सब्जी फेवरेट है यार। मैं जहाँ मर्जी चला जाऊँ पनीर की सब्जी तो मैं बोलता ही हूँ। मैं लाइक लिटरली मैं बोल के बनवाता हूँ कि यार पनीर की तो लेके ही आओ कहीं से भी। चलो खाना खा के मिलते हैं। क्या बनाई है भाभी ने पनीर की सब्जी? 10 में से 10 जा गया। होटल वालों को फेल कर दिया। सही है। चेयर्स कौन सी क्लास में आप? ABCD सुनाओ फिर। बस बीच के कहाँ गए? ABCD MNOPQRST। वाह चलो नहीं चलो मैं जीत गया। मज़ा ही आ गया गाइस। इन्होंने मेरे को एक गिफ्ट दिया बहुत सारी चॉकलेट्स तेरी तरफ से ना गिफ्ट। तो तू तो नहीं खा रहा है तेरे को चाहिए नहीं चाहिए? तो गाइस मैं 2 घंटे सो गया था एंड मेरी मम्मी और डिंपल वहाँ चले गए थे तो अब मैं भी जा रहा हूँ। 6 बजे आ रहा हूँ। तो गाइस मैं बुआ के घर आ गया था एंड अभी फिलहाल कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ क्योंकि चाय तो मैंने छोड़ रखी है। चाय मैं सिर्फ सर्दियों में पीता हूँ। और अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना सारे बच्चे आगे आए गाइस बाय गाइस ये गाइस वो गाइस रीस के नाते हैं यार आके। और अभी गर्मियाँ चल रही है तो मैं तो शाम को फिर कोल्ड ड्रिंक या शरबत वगैरह कुछ और पीता हूँ। मतलब कुछ भी पी लेता हूँ जो भी ठंडे में कुछ भी। एंड अभी बस अराउंड हमारा 6-6:30 का प्लान था पार्क जाएंगे बट भैया ही फिर अभी 6:30 तक आए हैं तो अभी 10-15 मिनट में हम जाएंगे पार्क। आज पार्क वगैरह घूमेंगे एंड आप सबको भी एक्सप्लोर करवाएंगे। अब एंड मैं 2 घंटे सो गया था तो थोड़ी सी एनर्जी आ गई है बट आई थिंक रात को मैं जल्दी सो जाऊंगा एंड कल ब्लॉग बनाऊंगा एनर्जेटिक वाला। सॉरी गाइस पार्ट 1 थोड़ा सा वो ढीला ढाला बनाऊंगा बट पार्ट 2 बहुत ही अच्छा बनेगा। एंड स्टे ट्यून गाइस प्लीज़ यार चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करवा दो यार करवा दो और खुद भी कर दो। अभी अच्छी स्कूटी चलाती है क्या? एट योर ओन रिस्क। मैं तो पैर नीचे रखूंगा। अभी अच्छी स्कूटी चलाओगे ना? सही चलाओगे ना स्कूटी? ये बैठ के आए थे इनसे पूछ ले कहते कहाँ पर थे। सो गाइस ये है वो पार्क। अभी अंदर जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं मजे करेंगे थोड़े झूले लेंगे एंड इस साइड इसके चौपाटी मतलब हर तरीके की रेडियम वगैरह लगी है। और मम्मी डिंपल एंड अभी गाइस ये है यहाँ पे झूले वाला एरिया। कितने प्रकार के झूले हैं यहाँ पे। फोटो सेशन कर रहे हैं भाभी का और मम्मी का। लेडीज यार जहाँ मर्जी आ जाए फोटो सेशन तो करना ही है। अब मैं 1-2 फोटोज खिंचवाता हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी। तो भाई थोड़ा देर में पार्क वार्क घूमा फोटोज वगैरह ली झूले वगैरह लिए और अब हम जा रहे हैं घर पिज्जा ब्रेड वगैरह लेके। और अभी रात को बनाएंगे पिज्जा। मैं पहली बार बनाऊंगा पिज्जा। आप कुछ भी मत सुना पिज्जा मेरे को बनाना। मम्मी ने कहा जोधपुर से कुकिंग सीख के आना। गाइस अभी घर जाने से पहले हमने सोचा थोड़ा जंक फूड एक्सप्लोर करते हैं जोधपुर का यहाँ पे चौपाटी पे। तो मम्मी ने डोसा ऑर्डर किया थोड़ा डोसा खाएंगे देन मोमोज माय लव थोड़ा सा 1-2 टेस्ट करेंगे। जोधपुर आए तो मोमोज टेस्ट किए तो फिर क्या टेस्ट किया एंड देन गोला। तो आज आज ब्लॉग फूड ब्लॉग होने वाला है पूरा। अब हम ढूंढ रहे हैं कि मोमोज कहाँ मिल रहे हैं। फाइनली मोमोज की रेडी मिल गई यार। इतना ढूंढने के बाद इतना ढूंढने पहली रेडी पे आए हैं हम लाइक लिटरली तक घूम के। मोमोज खाते हैं एंड देन रेट करते हैं। मामी आप लोग
50 रुपए खुले हैं क्या आपके पास? अब उसको दे दिए मैंने, वो कहाँ गया पता नहीं। कौन इसके लिए वो कूलर लेकर आ रहा है भाई? आ रहा है तो ले आएगा। स्टीम बहुत अच्छे से हुए हैं, लेयर अच्छी है ना, खाओ बल्ले खाओ कर दो। लेयर अच्छी लगी एंड फिलिंग भी सही है, मतलब पेन में से 8 पर हनुमानगढ़ वाला तो मज़ा नहीं है, हनुमानगढ़ वाले तो हनुमानगढ़ वाले ही रहेंगे है ना। आप कितने दोगे? मैं तो 10 में से 8। चटनी अच्छी लगी मेरे को। हाँ चटनी भी सही है, स्पाइसी है। 10 में से ज़्यादा मत खा लेना, 6 10 में से पिज़्ज़ा बनेगा, मतलब अच्छे हैं। और अब भैया बताएंगे कैसे लगे, कैसे लगे आपको? एक बार निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है का डोसा गाइस, मम्मी डोसा लेवर है तो आपको तो मज़ा आया ही होगा। अब हम खा के बताते हैं कैसा लगा। ले देखते हैं 10 में से 10। मसाला भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, क्रंची भी है, मस्त 10 में 10 वर्थ इट। अब आप दोनों खाओ। कैसा लगा 10 में से? अच्छा डिम्पल दू आई बोला खाने बच्चे को। 10 में से 10 में से 8 रेडियो के सामने उनके चीज़ों को रेट कर रहे हैं, शर्म ही नहीं आ रही है। मैं रेडी वाले ने सुन लिया ना मुंह तोड़ देगा। तो झंडे वाले कलर लग रहे हैं ना, ऑरेंज ग्रीन ब्लैक सब डाल दिया। ये गोला विद फलूदा, चलो रेट करो, जल्दी टेस्ट करो फिर रेट करो। मार्केट है 5 रुपए खाली करो। 3 20 वाले बना दो भैया, 10 में से 8 दे दिया। हमारा नॉर्मल वाला गोला आने का, फिर मैं रेट करता हूँ। भैया लाइट वाली वो उड़ा रहे हैं कुछ चीज़ आसमान में, मस्त लगी थी मेरे को। अब एक ना वापस उड़ाएंगे डिम्पल, उड़ा हाय हाय मस्त चीज़ है। बहुत ज़्यादा मीठा है, मतलब 10 में से 9 गाइस। रात को ये जगह और भी कितनी सही लगती है, मतलब और हमारी इतनी अच्छी किस्मत, हम एकदम टाइम पे आ गए। फोटोज़ वोटोज़ इतनी अच्छी आई है ना इस पार्क में, जहाँ गए थे मज़ेदार। और जैसे ही पार्क से बाहर निकले ना अंधेरा हो चुका था, मैंने कहा बढ़िया है फोटोज़ भी अच्छी आ गई है। यहाँ पे चौपाटी में भी हमने 2-3 चीज़ें खाई, ब्लॉग मेरे को लग रहा है फूड ब्लॉग हो चुका है वे। चलो अब घर चलते हैं, देन हमारा खाना तो फिर पिज़्ज़ा ही है, पिज़्ज़ा बनाएंगे, थोड़ा सीखेंगे कैसे बनाते हैं पिज़्ज़ा। चलो चलते हैं हम घर। आपने अच्छी स्कूटी चलाई, अच्छी चलाती है। मैं आज अच्छी स्कूटी चलाई, मेरी मम्मी डर रही थी, मतलब मम्मी आगे की स्कूटी पे थी ना, मम्मी बार बार पीछे देख रही थी मैं गिरा तो नहीं। मम्मी बहुत डर रही थी, स्कूटी भाभी चला रही है, डर मम्मी को लग रहा था। मम्मी को मेरा डर था कि भाभी मेरे को गिरा ना दे। पर ये सही चला। अब मिलता हूँ पिज्जा एकदम पूरे संजीव कपूर बने पिज्जा बना तो गाइस सॉरी मैंने मजाक किया था, भाभी ने पिज्जा बनाया, अब मैं सिर्फ तंदूर में डाल रहा हूँ। वैसे सच बताना नहीं था बट ठीक है। मसाला क्यों डाल रहे हो? रखना। हाँ चलो क्या ऐसे कैसे नीचे से किसी चीज से तो उठाना ही है। चलो आप रखो, अगला पिज्जा मेरे को रख लेना। गाइस ये रहा हमारा पिज्जा, मस्त लग रहा खाने में। अब अपन ज़्यादा ही रेडियो वालों को रेट कर रहे थे ना, अब हम आपको रेट करते हैं। हाँ रुक जाओ गर्म है क्या अभी? चलो मैं लेके चलता हूँ। हाँ अंदर लेके आओ फिर हम रेट कर। चलो सारे चेयर्स करो, धीरे 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 धीरे, कोई भी ले लो। तुम्हें तो भूख नहीं लगी? 3 नहीं अब लग रही, 3 2 1 चलो चेयर्स। ओ गरम होगा ना, गरम छाले हो जाएंगे, छाले ठंडा हम तो डिप्पल छोड़ दे, छाले हो जाएंगे फिर कुछ नहीं खा पाएगी। 10 में से मतलब 9 है, 9.5। तू तू अरे क्या कर रही है कुछ? 9 है, 9.5 10 डिम्पल। पापा क्या कह रहे हैं? डिम्पल अभी गरम नहीं खा बेटा, 10 गरम नहीं भैया, 10 मैं 9 या 9.5। हां
गाइस हम सब फ्लैश खेलने जा रहे थे घर पे, तो जब हम ताश खेलते थे ना तो ये मतलब है ना जो कैरम की गिट्टी है उनको पैसे बनाते थे, और यहाँ पे तो रियल लाइक रियल सिक्के एक एक रुपए के, कहते एक रुपए मतलब 10 रुपए, 2 रुपए मतलब 20 रुपए। वाह क्या जुगाड़ लगाया। फ्लैश है मेरे को, फ्लैश है मेरे को ही मिला, फ्लैश ही कोई ना। सीक्वेंस 1 2 3 यार, और उसके बाद पेयर। इसके कड़े मैं देख लूंगी ना। आई ना बेटी, मैं तो बैठी हूँ। अरे यार तू सीखना है तो चल। नहीं नहीं यार फ्लैश ही थी यार। आ रहे हो तीनों एक ही कलर के हो? आ रहे हो? हाँ हो तो देखो, अब देखना ही पड़ेगा। नहीं ले जाऊं? दिखा सही पत्ते, दिखा दे सबको कलर है। ये कलर तो गाइस अभी हमने खुल पत्ती चलाई थी, और भैया के 2, इसके 2 और मेरे 2 और मम्मी का 1। अब जिसके भी सबसे पहले 3 हो गए वो जीतेगा। सस्पेंस। ये सबके भैया त्रिशा मम्मी और मेरे सबके 2-2 हैं। अब उसके पहले 3 आगे वो विनर होगा। तो भैया त्रिशा मम्मी और मेरे भी 2-2 आगे। अब सस्पेंस बना हुआ है, जिसकी भी अब एक रन आ जाएगी हम चारों में से वो जीतेगा। सस्पेंस 6 4 5 आ जाए सीक्वेंस। ए ट्रेल भी आ सकती है इनकी। ओ है मेरा तो कुछ नहीं है। ये भैया जीत गए। विनर विनर नहीं सेकंड वैकेट नहीं, सेकंड वैकेट नहीं है, भैया जीत गए। गाइस ये देखो हमारी बुआ ने मटका कुल्फी जमाई है, काफी रिएक्शन कर रही है, लिटरली हिल भी नहीं रही है। कुल्फी से ज्यादा मैं को मटका अच्छा लगा। हिल भी नहीं रही कसम से। सो गाइस आई होप आप सबको ये पार्ट 1 पसंद आएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। एंड कल का हमारा प्लान है कि हम जाएंगे मेहरानगढ़ किला, एंड कल हम जाएंगे हमारी नानी जी के घर। अंकल 2 काम करने हैं, किला घूमना है, शूज लेने हैं, एंड देन नानी जी के घर जाएंगे। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज गाइज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।